नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। और जिसने नहीं किया है, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, एक तरीके का वहम। ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, इसे हम बीमारी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि कुछ हमारे हॉर्मोन्स अप डाउन हो जाने की वजह से या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से, या फीमेल्स में अधिकतर ये ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ये डिफिकल्टीज देखी जाती हैं। जैसे कि होम्योपैथी, मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी जो होती है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हम पेशेंट का जो उपचार है वो मेंटल सिम्टम्स के बेस पर करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को जज करते हैं, पहले उसको एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके आधार पर हम दवाइयां देते हैं। और पेशेंट तभी पेशेंट ठीक भी होते हैं। और यही एक मेन कारण है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम हेड टू फुट, मतलब माइंड एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। और अगर हम माइंड पर ही सीधा अटैक करेंगे, तो माइंड सही होगा तो फिर पूरी बॉडी भी सही होगी। फोबियाज, डिफरेंट टाइप के डर, डिफरेंट तरीके के वहम, ये इनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम सेडेटिव देते हैं कि आदमी सोता रहे, या हम कोई ऐसी मेडिसिंस देते हैं जो कि अगर बीपी बढ़ रहा है तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा पेशेंट के, और एक्स वगैरह है और जो स्लीप की, नींद की प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस, वो क्योर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अलग अलग पेशेंट्स को जज करके, उनका मेंटल लेवल जज करके मेडिसिंस हम देते हैं। और इस तरीके की मानसिक रोग कि हमें ऐसा लगे कि कोई हमें मार देगा, या ऐसा लगे कि अगले पल ही मैं मर जाऊंगी, या ऐसा लगे कि कोई मेरी चीज चुरा लेगा, या कोई मेरे कपड़े मुझसे छीन लेगा, या मेरा बहुत अच्छा, मुझे जैसे बच्चों में कई बार ये होता है, ये मेरा बहुत फेवरेट पेन है, ये मुझसे कोई ले लेगा, या बच्चों में डर लगे, या बड़ों को डर लगे कि इंटरव्यू में हम फेल ना हो जाए, बच्चे को लगे कि पढ़ तो सारा लिया लेकिन, तो इन चीजों को जो है हम लोग रूटीनली ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन जब ये चीज हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, तो ये एक डिसऑर्डर बन जाती है, एक ये सिकनेस का रूप ले लेती है। डिजीज बिल्कुल नहीं, सिकनेस। सिकनेस कोई भी वो कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, और डिजीज वो कंडीशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर आपका जो पार्ट है बॉडी का वो डैमेज हो जाता है, वो डिजीज होगी। लेकिन ये एक डिसऑर्डर है, क्योंकि आपकी जो ओवर थिंकिंग है या हॉर्मोन अप डाउन होने की वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें उनकी वजह से होती हैं। और इनका बहुत ही अच्छा उपचार है होम्योपैथी में। एक बीमारी जो अक्सर आपने सुनी होगी, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे पीछे कोई है, और मुड़ के देखता हूं तो कुछ भी नहीं है। उन्हें इतना डर हो जाता है कि वो अकेले रहने से भी घबराने लगते हैं। कई बार तो मतलब मिसट्रीट होके वो किसी तांत्रिक या पंडित एंड सो कॉल्ड पता नहीं किस किस के पास जाते हैं कि मेरे पीछे कोई भूत तो नहीं लग गया है, मुझे हर वक्त लगता है कोई खड़ा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप के पीछे भूत है, या भूत प्रेत आपके घर में आ गए हैं, या आपके शरीर में वास हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है, और इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक उपचार आपको होम्योपैथी में मिलता है। अगर आप भी इसी चीज से पीड़ित हैं कि आपको हर वक्त ये लगता है, वहम रहता है कि मेरे पीछे कोई है, और आप इस चीज से परेशान हो चुके हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, लेकिन होम्योपैथी के पास है। हर तरीके का वहम, कैसा भी वहम हो, होम्योपैथी में उसको फर्स्ट रैंक डिसऑर्डर माना गया है, और उसके बहुत ही सटीक और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर बात करें इस वाले डिसऑर्डर की कि पेशेंट को हर टाइम ये लगता है कि उसके पीछे कोई है, अगर आप भी इस समस्या से पीड़ित है, या आपका कोई जानकार इस समस्या से पीड़ित है, तो अब आप चैन की सांस लीजिए और मेडिसिन का नाम लिखिए। मेडिसिन का नाम है मेडोराइनम 30। मेडोराइनम 30 की 3-3 बूंदे दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में लो, तो आपकी जो ये समस्या है, आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक होगी, और आपके जितने भी सो कॉल्ड भूत हैं और चंडाल हैं वो सब भाग जाएंगे,
और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं किसी और डर के बारे में, फोबिया के बारे में, वहम के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।